हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किरण, हम लोग एग्ज़ाम कैसे करते हैं, जैसे टेस्ट कैसे करते हैं, ये जो टॉपिक है वो रिगर फॉरमैन, रिगिंग सुपरवाइज़र, लिफ्टिंग इंजीनियर या जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है वो उसको ये चीज़ करना होता है और उसको ये चीज़ की मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका जो काम है, जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें इन सब चीज़ों को फोकस किया जाता है। तो वो फोकस क्या चीज़ है, वो 7 पॉइंट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, थोड़ा बहुत लंबा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे ताकि आप एक अच्छा पॉइंट यहाँ से लेकर जाएंगे। तो 7 पॉइंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जैसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट में आपने देखा होगा मोबाइल क्रेन होता है, कॉलर क्रेन होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे मोबाइल क्रेन, कॉलर क्रेन, टावर क्रेन या हाइड्रा, जैसे इंडिया के अंदर जो यूज़ होता है। और जो लिफ्टिंग डिवाइस, जो जैसे चैन ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रिक चैन ब्लॉक हो गया, ओवरहेड क्रेन भी हो गया, बहुत सारे टाइप के क्रेन हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड, जिसको हम लोगों को क्या काम करना है जब हम लोग इस पोस्ट पर आएंगे। तो जो सबसे पहले है ऑल लिफ्टिंग, हम लोगों को एग्ज़ाम करना है, उसको टेस्टिंग करना है 12 महीने पे, जैसे थर्ड पार्टी के द्वारा। जब भी हमारे क्रेन है, हमारे जैसे प्लांट के अंदर जब चल रहा है, साइड पर जो क्रेन चल रहा है ऑलरेडी, तो हमें 12 महीने पर एक बार उसको थर्ड पार्टी से चेक करवाना चाहिए। वो थर्ड पार्टी वहाँ पर स्टिकर लगा कर जाएगा। और आपको जैसे पता है, इस पॉइंट पे मैं एक और बात बोलूँगा, जैसे आपको पता है जब भी कोई क्रेन हम लोग रेंट पर लेते हैं तो भी हम लोग इसी तरीके से चेक करते हैं, जैसे उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कंपोनेंट चेक करते हैं, जैसे बूम स्ट्रक्चर का जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे, टायर चेक करेंगे, और सबसे जो मेन पॉइंट है हम लोग हुक ब्लॉक को चेक करेंगे, और जो भी उसके अंदर जो सेफ्टी डिवाइस है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, जो मैंने आपको बताया 12 मंथ पर, एवरी 12 मंथ पर आपको एक थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा उसको, और वो जब इंस्पेक्शन करेगा तो वहाँ पर आपको टैग लगा कर देगा और उसका एक्सपायरी डेट भी होगा। उसके बाद जो सेकंड है, सॉरी जो ये थर्ड है, वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे हम लोग जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो कैरी, जैसे आप देखे होंगे मेन बास्केट, तो मेन बास्केट हो गया, चैन पुली ब्लॉक हो गया, तो इसको जो हम लोग 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में इसका एग्जामिनेशन करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसका जितना कंपोनेंट पार्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे एक फिजिकली तरीके से, और हम लोग चेक करने के बाद उसमें स्टिकर लगाएंगे। तो ये हमारा तीसरा काम रहेगा। जो चौथा काम रहेगा लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जब भी हमारे साइड पर कोई किरण का 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो हम लोग 4 साल में उसको एक मैक्सिमम SWL टेस्ट करके हम लोग उसको चेक करेंगे, साल में 4 साल में एक बार, जैसे उसको फुल्ली हम लोग SWL देंगे, उसका क्या SWL है या WLL क्या कैपेसिटी है, उसको उस हिसाब से हम लोग उसको एग्जामिनेशन करेंगे, किस रेडियस में क्या कैपेसिटी उठा रहा है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया सिलाई में, तो इस सिलाई को हम लोग चेक करेंगे, लोड चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस सिलाई को भी चेक करेंगे, जैसे 10 मीटर में क्या कैपेसिटी उठाता है, SWL इसका क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका लोड भी उठाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 ईयर्स में हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। पाँचवा पॉइंट है, जब भी हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे हम लोग कोई भी सेवा लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे जो भी सर्विस दे रहा है, जैसे टावर क्रेन हो गया, मॉडिफिकेशन अगर हम लोग किया है कम, उसको जब भी हम लोग टावर क्रेन हो गया, जैसे मोबाइल क्रेन हो गया, उसके अंदर हम लोग कुछ भी कॉम्पिटेंट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन से ज़रूर उसको आपको एक बार इंस्पेक्शन करना चाहिए और टेस्टेड करना चाहिए। अगर आपको जब वहाँ से, जब कंपनी से जो भी चीज़ आपको स्टैंडर्ड जो चीज़ मिलती है, जब भी आप उसको लगाते हो, तो उसको लगाने के बाद एक बार उसका ज़रूर चेक करें और एक बार एग्जामिनेशन ज़रूर करें। तो ये रहा पांचवा पॉइंट। और जो हम लोग जो छठे पॉइंट पर बात करेंगे, बस 2 ही पॉइंट बच गए, जिस पर हम लोग लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे किरण हो गया, मोबाइल किरण हो गया,
जब भी वो 25 साल उसका हो जाता है वर्किंग के अंदर, जो जिस किरण जो 25 साल पुराना हो गया, तो उस किरण का हम लोग क्वालिटी कंफर्म करेंगे। कभी भी जैसे बूम स्ट्रक्चर का क्वालिटी कैसा है, वायर रोप का कैसा है, जैसे विंच ड्रम जो होता है पीछे का उसका कैसा है, हुक ब्लॉक कैसा है, उसका इंजन कैसा है, टायर का कंडीशन कैसा है, हाइड्रोलिक का जो आउटरिगर का जो हाइड्रोलिक होता है, जो पिस्टम होता है उसको चेक करना चाहिए, और भी बहुत सारे जो चीज़ें, जो किरण का जो मेन पिस्टम होता है उसको हम लोगों को चेक करना चाहिए, हाइड्रोलिक को, हाइड्रोलिक पाइप वगैरह हम लोगों को चेक करना चाहिए 25 साल के अंदर। उसके अंदर अगर हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के ज़रिए हम लोगों को ये चीज़ को चेक करवाना चाहिए। तो जब भी हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन से चेक करवाएंगे तो क्या है, एक नज़रिया होता है, जैसे हम लोग क्यों बोलते हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी मीन्स क्या होता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो आपको दूसरे कंपनी से कॉम्पिटेंट पर्सन आता है, वो उस तरीके से चेक करता है कि उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस दिया हुआ होता है। और ये नहीं कि ऐसा नहीं कि अब हमारे कंपनी में प्रैक्टिस वाले नहीं है, लेकिन है उसका नज़रिया कुछ अलग है। जैसे सात लोग हैं, सात लोग एक ही चीज़ को नहीं देखते एक जगह पर, तो सेम इसी तरीके से ये एग्जांपल है। उसके बाद जो सातवां पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट, कभी भी सर्टिफिकेट स्पेशल जो हम लोग जो सर्टिफिकेट जो जब भी हम लोग ये सब काम करते हैं तो उसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कभी भी अगर उसका हेल्थ सर्टिफिकेट हम लोग नहीं रखेंगे तो कभी भी कुछ भी इंसिडेंट होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। तो कभी भी टेस्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ चेक किया, आप कॉम्पिटेंट पर्सन वो आपको खुद देगा। तो वो आपको मैन्युफैक्चर की तरफ से भी मिल सकता है, जैसे कोई कोई मैन्युफैक्चर की तरफ से कॉम्पिटेंट पर्सन बुलाकर, जैसे 25 साल हो गए किरण को, उसको चेक करवा के नया कॉम्पिटेंट लगा के, नया इक्विपमेंट नया मशीन लगा कर उसको इस तरीके से किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।